किचन छोटा हो या बड़ा, अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो हमारी कुकिंग को इजी और एफिशिएंट बना देता है। घर में डेली यूज़ की चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल रखना एक चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली जब चीज़ों के लिए कोई डेडिकेटेड जगह फिक्स ना की हो। तो आज आपसे 6 ऐसे इजी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजर्स का यूजेज शेयर कर रही हूँ जिन्होंने एटलीस्ट मेरी लाइफ को बहुत ईजी और सेटिस्फाइंग कर दिया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्गेनाइजर्स को खरीदने का थंब रूल ये है कि आप ऑलवेज इन्हें अपनी स्पेस और नीड के अकॉर्डिंग ही बाय करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये 3 शेल्फ रैक मैंने सिंक के नीचे अपने सारे क्लीनिंग टूल्स को रखने के लिए यूज़ किया है ताकि अगर कोई पानी का लीकेज भी हो जाए तो कोई खराबी ना हो। वैसे भी इन क्लीनिंग टूल्स को रखने के लिए कोई डेडिकेटेड जगह फिक्स करना मुश्किल होता है, स्पेशली जब जगह कम हो। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ से देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजर्स की तरफ। सबसे पहले ये कैबिनेट हुक है, एक्चुअली ये एक मेटालिक हुक है, रॉड है जिसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हुक्स की अवेलेबल हैं, और इसको किचन कैबिनेट के अंदर बिना ड्रिल किए ओवर द डोर फिक्स किया जाता है। और इसके ऊपर ये 5 से 6 ऑप्शंस बनी हुई हैं जिनके ऊपर आप कोई भी चीज़ अपने किचन कैबिनेट में अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हैंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने इस डोर के साथ हैंग किया हुआ है जहाँ पर मुझे ये इजीली एक्सेसिबल चीज़ें लाइक ग्रेटर, एग कटर, स्पैचुला, विस्क, ग्रीजिंग ब्रश वगैरह इजीली मैं अप्रोच कर सकूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारा डोर हुक। ये डोर हुक जिस पर 6 हैंगिंग ऑप्शंस बनी हुई हैं, इसको किचन के डोर के साथ फिक्स किया हुआ है मैंने, क्योंकि इसकी विड्थ जो है ना वो किचन के डोर के अकॉर्डिंग है, ना कि कैबिनेट्स के डोर के अकॉर्डिंग। ये देखें, ये इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको हम बड़े दरवाजे के साथ ही एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसको अगर हम किचन कैबिनेट के डोर के साथ लगाएंगे तो ये छोटा, ये चौड़ा रह जाता है। देखें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी चौड़ा है, तो किचन कैबिनेट के डोर के साथ इसको फिक्स करना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने किचन के डोर के साथ इस तरह से फ़िक्स कर दिया हुआ है। तो फिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैंने तो सबसे पहले तो अपने ये गार्बेज बैग्स जो मुझे डेली बेसिस पर चाहिए होते हैं उनका हैंगर मैंने हैंग कर दिया। उसके बाद ये बड़ा थैला जिसके अंदर मैंने ये पेपर बैग्स जो आते हैं, पॉलीथीन बैग जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो सारे मैंने इसके अंदर स्टैक किए हुए हैं। तो इस तरह से इनको मैं ईजिली अप्रोच कर लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी रह जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है स्टैकेबल शेल्फ। तो ये जो शेल्फ है ये एक्चुअली आई माइक्रोवेव ओवन के साथ थी, लेकिन मैं इसको उसके साथ यूज़ नहीं कर रही होती, रादर इसका मैं एक और बहुत ज़बरदस्त यूज़ में लेकर आती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ, एज अ शेल्फ डिवाइडर यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर भी मैं कोई चीज़ रख सकती हूँ और नीचे भी इसके मैं चीज़ रख सकती हूँ, तो ये शेल्फ डिवाइडर के तौर पर यूज़ होगा। इसके ऊपर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ टी और मग वगैरह रख दूँगी, और उसके नीचे भी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ रख सकती हूँ। आप साइड पे देख रहे हैं कि ग्लासेस और मग्स 6-7 ही पड़े हैं, लेकिन अगर मैंने इसको शेल्फ़ डिवाइडर को रखा है तो ऊपर मैं कॉफ़ी और टी मग्स रखूँगी और नीचे मैं इस तरह से 6 से 7 प्लेट्स एक साथ रख दूँगी। तो साइड पर रखी हुई चीज़ें देखें और इसके ऊपर रखी हुई चीज़ें देखें, कितना फ़र्क है। नेक्स्ट है कैबिनेट होल्डर। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ कैबिनेट होल्डर है, ये इसके अंदर ये एक बाउल टाइप बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, आप मर्ज़ी से कोई भी चीज़ इसके अंदर एडजस्ट करके रख सकते हैं। और इसके साथ इस तरह से ये हुक बनी हुई है, और ये हुक भी कैबिनेट के डोर के साइज़ की है। आप इसको किसी भी डोर के ऊपर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बिल्कुल चूल्हे के पास वाला जो फर्स्ट कैबिनेट है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ पर मैंने इसको फ़िक्स करके रखा हुआ है इस तरह से। तो इसके अंदर मेरी मर्ज़ी हो तो मैं जो किचन में फौरी चूल्हे के पास यूज़ होने वाले, जैसे ये मेरे ग्लव्स हैं कोई पतीली वगैरह पकड़ने के लिए, या ये टोंग है रोटियां बनाने के लिए, या माचिस है, लाइटर है, इस तरह की चीज़ें जो फौरी तौर पर चूल्हे के पास चाहिए होती हैं वो मैंने प्लेस की हुई हैं। इसी तरह इसको एज अ ट्रैश बैग भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, जब मैं कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह पील कर रही होती हूँ, तो उनका पील जो है मैं काउंटर टॉप को क्लीन रखने के लिए इस तरह से उसके अंदर साथ साथ से डालती जाती हूँ। तो जब एक दफ़ा मैंने सारी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ तो उनके पील्स को इस तरह से उठा के मैं थ्रो कर देती हूँ। नेक्स्ट कैबिनेट हुक फिर आती है, ये एक सिंगल कैबिनेट हुक है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि ये भी किचन के कैबिनेट्स के साथ ही ये लगेगी, लेकिन इसके साथ इस तरह हुक भी बनी और ये एरिया भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं। तो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। इसको एक्चुअली मैं अपने सिंक एरिया के पास लेके जाके, वहाँ पर जो डोर है मेरे पास, वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से
तो आप ये देखें, सबसे पहले तो इसके इस साइड पर मैं अपना जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो मैं हैंग कर दूंगी, क्योंकि क्लीनिंग में आपको पता है कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो मेरा हैंड टॉवल है, जो मैं अपने बर्तन धोने के बाद अपने हाथ साफ़ करने होते हैं या वैसे करने होते हैं, तो मैं यहाँ पर वो हैंग कर देती हूँ। तो जब भी मुझे अपने बर्तन वॉश कर लेने होते हैं, उसके बाद मैं अपने हाथ वॉश करके, तो उसके बाद इसको फिर मैं इस तरह से यूज़ में लाती हूँ कि मैं इस टॉवल को पकड़ती हूँ और इससे अपने हाथ साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं अपना कोई और काम कर लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने हैंड ड्राई रखना। तो है ना ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह से इसको मैं मल्टीपली यूज़ करके इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप अपने क्लीनिंग टूल्स भी हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेज़ी सूसन। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको कहीं पे भी इस ट्रे को इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ये रोटेटेबल ट्रे होती है। इसको आप रोटेट करके अपनी मर्ज़ी से इसमें से चीज़ें रख के और इसके अंदर से पिक कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट चीज़ें आप डिफरेंट जार्स, अपने स्पाइस जार्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स के जार्स हो गए, आपकी केचअप बॉटल्स हो गई, आपका ये एरोमा डिस्पेंसर हो गया, आपके कोई भी स्पाइसेस हो गए, कोई सीजनिंग हो गई, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर एडजस्ट करके तो इनको रोटेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया हुआ है, कभी मैं इसको फ्रिज के ऊपर रख लेती हूँ, ज़्यादातर वैसे मैंने इसको फ्रिज के ऊपर ही रखा होता है, तो ईजीली मुझे कोई भी सीजनिंग्स या कोई भी सॉसेस वगैरह चाहिए होती हैं किसी तरह की भी, तो मैं आराम से इसमें से पिक कर लेती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा ईजी रह जाता है। दूसरा वे है कि जब मुझे नीड हो तो मैं इसको अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकती हूँ। तो उसके ऊपर फिर इस तरह से मैं डाइनिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजर्स जो रखे हुए हैं, डिफरेंट ये फॉक्स वगैरह और ये शुगर पॉट, सॉस वगैरह, सब कुछ जो भी मुझे नीड होती है मैं वो रख लेती हूँ। जैम वगैरह बच्चों के लिए इजी हो जाता है सुबह डाइनिंग टेबल पे रोटेट करके, तो इसमें से जैम वगैरह यूज़ करना। तो ये थे मेरे आज के ऑर्गेनाइजर्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो आपको अगर कोई भी कंटेंट इसमें से अच्छा लगा या कोई भी ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।